Hello everyone, this is Shiprant Sisodia from MSc Forensic Science, 4th SEM from Sri Vaishno Vidyapeeth Vishwavidyalay. This video is about tutorial of comparison of DNA 3D model, and today we are going to use Avogadro and NCBI to compare DNA models. NCBI is basically a website and database where we can get nucleotide and genome sequences. So we are going to use, first of all, in this website, we are going to reach to the website, and then all databases over here. So we are going to select nucleotide, and in this video I have selected Homo sapiens, and then search. So now there are plenty of sequences, and which I have selected the first one, which is of 316 base pair. And after selecting it, we are converting it into FASTA format. FASTA format is because used because the sequence is available on that only. Then we are going to copy that sequence and use it in Avogadro. After this, we have to open Avogadro software. Avogadro software जिसमें हम use करेंगे, and जब ऊपर एक हमें दिखेगा build का option, तो build के option में जाके हमें insert पे click करना है. Insert में हमें अपना पूरा DNA sequence डालना है. एंड हमें हाँ बी टाइप चूज़ करना है क्योंकि ह्यूमन का डीएनए बी टाइप रहता है. एंड इसको इंसर्ट करने के बाद में जब हम क्लिक पे करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा डीएनए मॉडल बन के आ जाएगा. एंड देन दे आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन. यहाँ पे हम इसको रोटेशन भी दे सकते हैं डीएनए मॉडल को. एंड जब देख सकते हैं हम कि रेड ब्लू एंड अलग अलग बॉन्ड्स में दिख रहा है हमें, क्योंकि अलग अलग बॉन्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए, एलिमेंट्स यूज़ हुए थे. इसके अलावा अब हमें जब व्यू पे जाकर देखना है, तो व्यू पे हमें इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगी, मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़, आइटम प्रॉपर्टीज़ एंड और भी प्रॉपर्टीज़. तो हम जब इसकी मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो इसका हमें मॉलिकुलर वेट दिख जाता है, और इसके अलावा बॉन्ड्स दिख जाता है, मॉलिकुलर फार्मूला दिख जाएगा, और इसके बॉन्ड्स वगैरह दिख जाएंगे. तो हमें इससे पता चलता है कि हर एक जो डीएनए रहते हैं वो उनका डिफरेंट रहता है. तो अब इसको हम कंपेयर करके देखेंगे दूसरे डीएनए से जिसका सीक्वेंस दूसरा है. तो इसके मॉलिकुलर वेट्स और जो भी फार्मूला रहेगा वो डिफरेंट आएगा, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूजुअली जब डीएनए सीक्वेंसेस जो रहते हैं वो काफ़ी लंबे रहते हैं, तो इसका यूज़ करके हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दो डीएनए को. सो दैट्स इट एंड थैंक यू.